गाइस वेलकम बैक टू योगी ऑटोमोबाइल्स। और दोस्तों आज हमारे सामने है प्रीमियम सेडान होंडा अमेज का टॉप मॉडल। दोस्तों इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इसके इंटीरियर एक्सटीरियर एंड मेनी मोर एडवांस फीचर्स जो आपको यहां पर एडवांस करी गई है होंडा के थ्रू, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो दोस्तों आप इस वीडियो में नए हो, इस चैनल पर नए हो तो फटाफट जो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोस। और दोस्तों हम बात करें यहीं इसके फ्रंट प्रोफाइल की, तो बहुत ही मस्कुलर आपको फ्रंट प्रोफाइल मिलती है। फ्रंट से तो लगती नहीं यार ये सेडान है जब तक कि आप साइड पे नहीं जाएंगे या फिर बैक रियर प्रोफाइल पे नहीं जाएंगे। एंड फ्रंट में आप देख लो होंडा की ब्रांडिंग लोगो एंड यहाँ पे देखें क्रोम इंसर्टर मिल जाती है। एक तो काफ़ी चौड़ी लाइन वाली यहाँ पे चौड़ा जो आपको यहाँ पे जो ये क्रोम इंसर्टर मिलती है काफ़ी सही लुक लग रही है। एंड ये देखिए स्लिक फिट में यहाँ पे आपको डाउन पे भी स्लिक फिट पे यहाँ पे ग्रिल्स मिलती है क्रोम इंसर्टर जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। एंड मिड में देखेंगे होंडा की ब्रांडिंग लोगो मिल जाती है। एंड हम अगर बात करें हेडलैम्प सेटअप की तो आपको यहाँ पर एलईडी हेडलैम्प प्रोजेक्टर ऑफर करी गई है। एंड डे टाइम रनिंग लाइट्स भी आपका एलईडी में दोस्तों यहाँ पर प्लेस मिल जाती है। सारे इंडिकेटर प्लेस तो आप वहाँ पर देख ही रहे हैं। एंड यहीं अगर हम बात कर लें इसको फॉग लाइट की, जी हाँ फॉग लाइट आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाती है जो कि यहाँ पर प्लेस्ड है। एंड एलईडी फॉग लाइट ही ऑफर इसमें करा गया है टॉप मॉडल में। और वहीं पर देखेंगे तो क्रोम इंसर्टेड का यहाँ पर आप मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। फ्रंट बम्फर की अगर बात कर लूँ बॉडी कलर फ्रंट बम्फर मिल जाते हैं। और एक चीज़ फ्रंट बम्फर में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा स्पोर्टियर देखने को मिलने वाली, थोड़ा गाड़ी का जो है ना फ्रंट निकला हुआ है तो इससे काफ़ी स्पोर्टियर लग रही है। गाड़ी थोड़ी ब्लूइश एंड ग्रेस कलर पे है और दूर से आप देखेंगे थोड़ा ब्लैक भी आपको देखने को मिलने वाली है, पर गाड़ी जो है ना ब्लू एंड ग्रे का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली, पर इसको यहाँ पर जो होंडा में बोला जाता है ब्लू कलर है बेसिकली। एंड साइड प्रोफाइल दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाली है, काफ़ी सही एंड काफ़ी लग्जरी एंड ब्यूटीफुल लग रही है। एंड वहीं अगर आप बात कर लें इसके टायर सेक्शन की तो आपको यहाँ पे 175/65 R15 इंच के टायर्स मिल जाते हैं विद डुअल ट्यून अलॉय व्हील्स के साथ। अलॉय व्हील बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड वारियम देख लो बॉडी कलर वारियम मिल रहे हैं। एंड वारियम भी देखेंगे साइड इंडिकेटर का प्लेसमेंट दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाती है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड इधर आप देखेंगे तो एबीसी पिलर आपको जो मिलने वाली है, ए एंड बी पिलर की अगर हम बात करें तो आपके यहाँ ब्लैक टाइप की फिनिशिंग के साथ मिलने वाली है। एंड क्रोम इंसर्टेड डोर हैंडल एंड को ड्राइवर साइड भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर अवेलेबल मिल जाती हैं। और अगर हम यहीं ब्रेक की बात कर लें गाड़ी की तो आपको यहाँ फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलती है एंड रियर में आपको यहाँ पर दोस्तों ड्रम ब्रेक ऑफर करा गया है। एंड दोस्तों वहीं देखेंगे तो आपको फ्रंट में आपको मैक पर्सन स्ट्रट एंड रियर में आपको यहाँ पर टॉर्सन वायर विथ कॉइल स्प्रिंग का सस्पेंशन सेट आपके यहाँ पर ऑफर करा गया है। एंड इसके अगर ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात कर लूँ तो आपको यहाँ पे 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करी गई है जो इस आप गाड़ी के हिसाब से देखें तो काफ़ी सफिशियंट आपके यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। वहीं आप डिज़ायर में देखें तो आपको वहाँ पे 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, तो वहाँ से आपको यहाँ 5 mm तो ज़्यादा ही मिलती है। एंड ये रहा फ्यूल टैंक का नोब एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी अगर बात करूँ 35 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको यहाँ पर ऑफर करा गया है। एंड ये आ गया भाई अपन रियर प्रोफाइल पर, और रियर प्रोफाइल भी काफ़ी मस्कुलर इसकी यहाँ पर आपने को देखने को मिलने वाली है। एंड अगर यहीं हम बात कर लें इसके टेल लाइट की तो आपके यहाँ पे एलईडी टेल लाइट आपको ऑफर करा गया है जो कि आपके यहाँ सीसीओ में मिलती है। यहाँ पे देखेंगे तो साइड इंडिकेटर एंड यहाँ पे पार्किंग लाइट की प्लेसमेंट दोस्तों मिल जाती है। एंड यहाँ पे देखेंगे तो अमेज की यहाँ पे बैचिंग एनवेलप मिल जाता है एंड होंडा की ब्रांडिंग लोगो। एंड थोड़ी सी राइट साइड में अगर अपन आते हैं तो इधर साइड आप देखें तो आई बी टेक की यहाँ पर आपको दोस्तों बैचिंग मिल जाती है। एंड वहीं अगर हम बात कर लें रियर विंडशील्ड की यहाँ पे तो आपको यहाँ पे जो है रियर विंडशील्ड में आपको डिफॉगर ऑफर करे गए हैं। ऊपर देखेंगे तो साइफन एंटीना आपको अवेलेबल मिल जाती है। एंड रियर में अगर हम सेफ्टी अगर बात कर लें तो आपको, जी हाँ ये टॉप मॉडल है और आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा भी ऑफर करा गया है जो कि आपके यहाँ पे प्लेस मिल जाती है। और फोक पार्किंग सेंसर्स भी आपको मिल जाते हैं, दो रिफ्लेक्टर्स। एंड रियर बम्फर में आप देखेंगे तो क्रोम इंसर्टेड एक ग्रिल मिल जाती है जो देखने में काफ़ी बेहतरीन लग रही है। एंड यहीं पर देखेंगे तो मैटी ब्लैक कलर की फिनिशिंग में आपको भी यहाँ कुछ ट्रीटमेंट देखने को मिल जाती है। और रियर बम्फर अगर मैं बात कर लूँ तो आपको यहाँ रियर बम्फर जो है ना बॉडी कलर ही ऑफर करा गया है। एंड अगर हम बात करें इसके बूट स्पेस की तो चलो कर लेते हैं बूट को पहले ओपन। बूट को ओपन करने के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक बटन दिया हुआ है, पुश करते हैं अपना ये बूट ओपन हो जाएगी। एंड अगर दोस्तों मैं बूट स्पेस की अगर बात कर लूँ तो 420 लीटर की आपको यहाँ पर बूट स्पेस ऑफर होती है एंड काफ़ी ह्यूज स्पेस आपको मिल जाती है यार। यहाँ पर देखेंगे तो ट्रंक लाइट अवेलेबल है जो कि आपके यहाँ पर ऊपर प्लेस्ड है। और एक्सटेज पर व्हील की अगर हम बात करें तो आपकी यहाँ पे नीचे प्लेस मिल जाती है। और दोस्तों अगर मैं साइजिंग की बात करूँ तो सेम साइज़ आपको यहाँ पे मिलती है, बट आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलती है। बट टायर की अगर साइज़ की बात करूँ तो आपको यहाँ पे सेम साइज़ टायर्स मिल जाती है। और एक चीज़ मैंने बताना भूल गया था, ये देखें यहाँ पे आपको इंटरनली हाई माउंटेड स्टॉप लैंप यहाँ पे प्लेस दोस्तों मिल जाती है।
सो गाइस ये तो था एक्सटीरियर, है ना। बात करें इंटीरियर की, तो उससे पहले बात कर ली इसके की की। और दोस्तों आपको की कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। टोटली कीलेस एंट्री आपको यहाँ पे मिल जाती है, दोनों की आपको यहाँ पे रिमोट की दोस्तों मिलने वाली है। एंड गाड़ी ऑलरेडी हमारी अनलॉक है। एंड चलो कर लेते हैं ड्राइवर साइड के डोर को ओपन। एंड यहाँ पे भी देखें तो क्रोम इंसर्टेड मिल जाती है डोर हैंडल। एंड रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पे भी प्लेस्ड मिल जाती है। और अगर हम बात करें ड्राइवर साइड के डोर ट्रिम की दोस्तों, तो आपको यहाँ पे जो है ना ड्यूअल ट्यून पे मिलने वाली है। एंड यहीं पे आप देखेंगे तो मतलब ड्यूअल ट्यून यहाँ पे आपको येलो कलर का, आपको मतलब लाइट येलो आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड ब्लैक की फिनिशिंग मिल जाती है। एंड यहीं पे आप ऊपर देखोगे तो आपके यहाँ पे सिल्वर कलर का आपको प्लास्टिक मटेरियल है, बट सिल्वर इंसर्टेड आपको यहाँ पे मिल जाती है। इंटीरियर डोर हैंडल आप देखेंगे सिल्वर कलर इंसर्टेड। एंड ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे मिल जाती है। पावर विंडो कंट्रोल्स एंड ड्राइवर साइड की ऑटो डाउन मिलती है आपको। एंड ये लॉक अनलॉक एंड ओ आर वी कम्पलीटिकली एडजस्ट भी कर सकते हो। एंड फोल्ड भी आप यहाँ से कर सकते हो। और एक चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे तो फैब्रिक आपको यहाँ पे दोस्तों फिनिशिंग मिल जाती है। अगर थोड़ी डाउन में अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर का प्लेसमेंट, स्पीकर प्लेसमेंट दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाती है। और इस इंडिविजुअल गाड़ी में अगर बात करूँ तो 4 स्पीकर्स आपको यहाँ पे इस गाड़ी में ऑफर करे गए हैं। डैशबोर्ड का लुक कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलने वाली है, जो काफ़ी स्मूथ है, आपको यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। बस तो अंदर जाके अपन देखेंगे तो और ज़्यादा देखने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। पर उससे पहले आप देख लो सीट, यहाँ पे आपको फुली फैब्रिक अपहोस्ट्री मिलने वाली है। और लाइट येलो कलर की आपको यहाँ पे जो है ना सीट मिलने वाले हैं दोस्तों। हाइट एडजस्टेबल आपको यहाँ पे ड्राइवर साइड की सीट मिलने वाली है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए बूट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है। फ्यूल लिड आप यहाँ से ओपन कर सकते हो एक, और यहाँ से आप बोनट ओपन ईजी कर सकते हो। यहाँ पे आपको हेडलैम्प लेवलर की प्लेसमेंट मिल जाती है। और ये रहा अपना पुश बटन स्टार्ट, जो कि यहाँ पे प्लेस मिल जाती है। कुछ ऐसे आपको यहाँ पे जलने वाली है वाइट कलर की। एंड ये तो था, चलो अंदर बैठ के फिर बात करते हैं और क्या कुछ अपने को फीचर्स मिल जाते हैं। चलो इसको गाइस, सो गाइज हम आ चुके हैं अमेज के अंदर। एंड आपको स्टेयरिंग कुछ इस तरीके से मिलने वाली है, मतलब फुली राउंड स्टेयरिंग मिलने वाली है, फ्लैट बॉटम तो नहीं मिलेगी। मैंने में देखें होंडा के ब्रांडिंग लोगो। एंड आपको टोटली आपको जो स्टेयरिंग मिलने वाली है फुल्ली आपको माउंटेड स्टेयरिंग मिलने वाली है। इधर साइड आप देखोगे तो ऑडियो कंट्रोल्स, वॉइस कमांड, कॉलिंग कंट्रोल्स का आपको इधर साइड कंट्रोल मिल जाते हैं। एंड इधर साइड आप देखोगे तो क्रूज कंट्रोल के आपको यहाँ पे दोस्तों सिस्टम मिल जाती है ऑन स्टेयरिंग। एंड यहीं पे आप देखोगे तो सिल्वर कलर की इंसर्टेड आपको यहाँ पे जो है ना स्टेयरिंग गार्निश। एंड डाउन पे भी आपको यहाँ पे सिल्वर इंसर्टेड स्टेयरिंग गार्निश मिल जाती है, तो देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। एंड अगर मैं वहीं बात कर लूँ इसके एडजस्टिंग सिस्टम की स्टेयरिंग की, तो आपको यहाँ पे केवल टिल्ट स्टेयरिंग मिलती है दोस्तों, टेलीस्कोपिक नहीं मिलती है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो वाइपर वॉशर डिफॉगर के कंट्रोल। एंड राइट साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल मिलने वाली है और कुछ इस तरीके से, और फॉग लाइट की भी आपको यहाँ पे ही मिल जाती है। ऑटो हेडलैम्प्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। और पुश बटन अपना कुछ इस तरीके से मिलने वाला है, जो कि काफ़ी कलरफुल है, रेड एंड लाइट डार्क रेड थोड़ा सा आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड हम बात करें वहीं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको टॉप मॉडल में कुछ ऐसे मिलने वाली है। इधर साइड आप देखेंगे तो आरपीएम मीटर, और इधर साइड आप देखेंगे तो स्पीडोमीटर, मिड में देखेंगे तो TFT, एंड TFT में देखेंगे तो मल्टी फंक्शनिंग है। फ्यूल गेज आपको वहीं पे शो होने वाली है, टेम्परेचर भी वहीं पे, टाइमिंग भी वहीं पे शो होने वाली है। एंड ये देखिए क्रूज के आपको कुछ यहाँ पे फंक्शनिंग आपको यहाँ पे शो होने वाली है। और इधर साइड आप देखेंगे तो कुछ फंक्शंस लाइट हैं, बाकी आपकी नॉर्मल सही आप देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दोस्तों देखने को मिलने वाली है। पर जब हम बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो कुछ आपको यहाँ पर 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाले, जो कि काफ़ी ग्लॉसी, कुछ यहाँ पे रैपर्स लगे हुए हैं। एग्जैक्टली मैंने वो चीज़ निकाला नहीं है, पर कुछ ऐसे आपको मिलने वाली है दोस्तों, जो कि आपकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑटो एंड्रॉयड, आपके यहाँ पे एप्पल कारप्ले, सारी कनेक्टिविटी के साथ आपको मिलने वाली है। और अगर वहीं टच की मैं बात कर लूँ तो बहुत स्मूथ टच करती, मतलब यार वर्क करती है। एंड कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मेन पैनल मिलने वाली है, मेन जो आपके यहाँ पे हो मिलने वाली है। आप अपने अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो कई कनेक्टिविटी का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगी। एंड यहाँ पे देखेंगे डबल एसी कंसोल्स, और एशियन पे देखेंगे तो सिल्वर कलर की यहाँ पे आपको इंसर्टेड मिल जाती है, तो देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। हजार लाइट का बटन, और ये पैनल देखेंगे ना दोस्तों आपको जो मिलने वाली है ना, पूरा आपको यहाँ पे जो है ना पियानो ब्लैक एलिमेंट्स की ग्लॉसी फिनिशिंग में मिलने वाली है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। डाउन पे अगर आएंगे तो ऑटो एसी अवेलेबल है। एंड यहाँ पे देखें तो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट्स अवेलेबल है। एंड यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है, और यहाँ पे भी डुअल चार्जिंग पोर्ट आपको अवेलेबल मिल जाती है। यहाँ पे कुछ स्टोरेज, ट्विन कप फोल्डर्स, एंड ये देखिए 5 मैनुअल स्पीड का गियर बॉक्स है। और यहाँ पे देखेंगे तो क्रोम इंसर्टेड सराउंड मिल जाती है, और ये रहा लेदर कवर्ड, जो कि काफ़ी बेहतरीन लग रही है।
कुछ स्टोरेज, पर एक चीज की मुझे यार टॉप मॉडल की है भाई कमी लग रही है मुझे। एटलीस्ट यहाँ पे एमबेस तो देना था टॉप मॉडल, यार ये चीज़ तो देना ही चाहिए था, पर इन्होंने यहाँ पे अवेलेबल नहीं मिलती है। आप चाहें तो आप डीलर से या फिर आप आफ्टर मार्केट आप यहाँ पे लगवा सकते हो। और इधर साइड आप देखोगे ना तो सिल्वर इंसर्टेड यहाँ पे भी मिल जाता है, जो कि आपको डोर में जैसे देखने को मिलता था वहाँ पे आपको डैशबोर्ड में भी देखने को मिलने वाली है, जो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है ब्लैक कलर पे। एंड बात करें ग्लोव बॉक्स की, डिसेंट है और स्पेस भी इतना कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पेपर वर्क ही रख सकते हो। थोड़ी अगर ऊपर आते हैं तो आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर के साथ आपको सनवाइजर्स मिल जाती है फोर ड्राइवर साइड की, एंड रीडिंग लाइट्स। एंड ये रहा ड्राइवर साइड की सनवाइजर, जो कि नॉर्मल है, टिकट होल्डर भी इनमें नहीं दिए हैं। सो गाइज ये और एक चीज़ बता दूं, अगर मैं सेफ्टी अगर बात कर लूँ तो आपको यहाँ पे डुअल लेयर बैग ऑफर करी गई है, जो कि आपको एक यहाँ पे मिल जाती है और एक आपको वहाँ पे को ड्राइवर साइड में प्लेस मिल जाती है। और स्पीकर तो मैंने पहले ही बताया था कि फोर स्पीकर्स आपको यहाँ पे ऑफर करा गया है, पर ट्विटर्स आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो गाइस ये तो फ्रंट कैबिन, चलो चलते हैं रियर में जाके बात करते हैं और क्या कुछ आपको वहाँ पे स्पेस एंड फीचर्स मिल जाते हैं। सो लेट्स गो गाइस। सो गाइस अगर हम बात करें होंडा अमेज के इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो आपको यहाँ पे 1.2 लीटर आईबीटेक इंजन होंडा ऑफर करती है, जो कि 88.50 BHP पावर जनरेट करती है एंड 110 Nm का टॉर्क जनरेट करके आपको देती है। इंजन कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाली है, फुल्ली कवर्ड मिलने वाली, थोड़ा सा बाहर खड़ी थी गाड़ी उसको मैंने बाद अंदर करवाया, थोड़ा डस्टी थोड़ा सा आपको दिखेगा इंजन, बट यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको यहाँ पे होंडा की आईबीटेक की बैचिंग आपको मिल जाएगी। फोर सिलेंडर इंजन आपको यहाँ पे मिलती है, बैटरी प्लेसमेंट दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाती है, वायरिंग फुली कवर्ड है, बट एक चीज़ की कमी मुझे लगती है कि भाई टॉप मॉडल में ये देखेंगे ना कुछ कैपिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, बस एक चीज़ की कमी मुझे बस यही लगी है। और दूसरी चीज़ भी बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो आपको बोनट यहाँ पे कवर्ड नहीं मिलती है, इवन आपको यहाँ पे जो है ना इंजन प्रोटेक्शन भी आपको यहाँ पे होंडा अमेज के टॉप मॉडल में नहीं मिलता है। कुछ कमियाँ करें इनमें बस, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। अदरवाइज़ गाड़ी देखेंगे तो बहुत ही सही गाड़ी है, माइलेज भी काफ़ी अच्छा खासा आपके यहाँ पे मिल जाती है, 18 to 19 आपको यहाँ पे दोस्तों मिलने वाली है माइलेज। एंड अपने सेगमेंट की तो नहीं कह सकते, पर हाँ अपने मॉडल में टॉप सेलिंग वेरियंट में से एक मानी जाती है। और इसका अप्रॉक्स अगर कीमत की मैं बात कर लूँ तो यार 10 लाख के अप्रॉक्स आपकी यहाँ पे इसका कॉस्ट हो रहा है शेड्यूल लोकेशन पे। सो गाइज ये तो था होंडा अमेज के टॉप मॉडल का फुल वॉक अराउंड रिव्यू। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।